दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर, मामले में 100 एफआईआर दर्ज और 6 लोग गिरफ्तार। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेस्टमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज। क्या है आम आदमी पार्टी से कनेक्शन? दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 100 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने साफ किया है कि सभी केस प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेस्टमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकलते हुए एक वैन से भी पोस्टर जब्त किए गए हैं। इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्यों हो रही है कार्यवाही? पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे वाले पोस्टर लगे थे। इन पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था। पुलिस के मुताबिक आईपी स्टेट थाने के एक कांस्टेबल ने पप्पू मेहता नाम के एक शख्स को पोस्टर लगाते हुए पकड़ा था। पप्पू के पास से 38 बंडल पोस्टर मिले थे। स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस दीपेंद्र पाठक ने बताया है कि 2 प्रिंटिंग प्रेस फर्म को ऐसे 50,000 पोस्टर बनाने का ऑर्डर मिला था। कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों ने रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक इनमें से कई पोस्टर शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस का नाम प्रकाशित न करने के आरोप में मालिकों को गिरफ्तार किया है। इधर आम आदमी पार्टी ने पुलिस कार्रवाई को तानाशाही बताया है। पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसी विवादित टेक्स्ट के साथ ट्वीट किया है और पूछा है कि पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर पीएम ने 100 एफआईआर दर्ज की। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, पहली बात यह है कि पुलिस ने पोस्टर लगाने पर अभी खबर आई है कि एफआईआर किया है, कह रही है आपत्तिजनक पोस्टर है, मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। अगर देश के प्रधानमंत्री, अगर देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल हो रहे हैं, अगर देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर अगर खतरे मंडरा रहे हैं, तो इस देश से लोगों की आवाज उठ रही है कि अगर इसका समाधान अब एक ही बचा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। इसको लेकर के कल आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पे बड़ी जनसभा करने जा रही है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कल जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और वहां से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में गूंजेगा। सर, जो आम आदमी पार्टी, उसमें कहा गया है जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई कि आम आदमी पार्टी से गाड़ियां निकली थी पोस्टर लेकर, गाड़ियों पे भी कार्रवाई हुई, तो आम आदमी पार्टी ही पोस्टर लगा रही है, आप ये क्लेम कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है, आम आदमी पार्टी इस नारे को दे रही है कि आज एक ही अब समाधान बचा है, क्योंकि मोदी के रहते तो ये देश अब नहीं बच सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी कल जंतर मंतर से सभा के माध्यम से इस का ऐलान करने के लिए जंतर मंतर पे पूरे चारों तरफ से कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और वहां से इसका शंखनाद होगा। एक दूसरा मुद्दा है सर, अभी एक लेटर लगातार वायरल हो रहा है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है, देश के 8 मुख्यमंत्रियों को, जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, एक मीटिंग बुलाई गई थी, डिनर मीटिंग 18 मार्च को हुई नहीं, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की जो शुरुआत थी पहले ही फेल हो गई। देखिए, बहुत तरह के प्रयास और बहुत तरह के संवाद चल रहे हैं इस पूरे देश के अंदर, न सिर्फ पार्टियां बल्कि जो लोग भी इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो लोग इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, उन सब लोगों के मन में बेचैनी है। अलग अलग तरह से प्रयास हो रहे हैं, अलग अलग तरह से संवाद हो रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा तो जनता को फैसला करना है कि जनता एक होगी तो बदलाव होगा। तीसरा मोर्चा सर ये 2024 के लिए? नहीं, देखिए, मोर्चा मैंने कहा ना कि मोर्चा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, उसका नाम क्या होगा वो अलग मैटर है, लेकिन इस देश के अंदर लोगों के अंदर बेचैनी है और सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि इसका समाधान निकाला जाए। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 17 मार्च को पोस्टर छापने का ऑर्डर मिला था, उसके बाद ये पोस्टर 19 मार्च की रात अलग अलग लोगों को चिपकाने के लिए दिए गए थे।
पोस्टर चिपकाने का काम 20 मार्च की सुबह तक चला। वहीं बीजेपी की ओर से नेता हरीश खुराना ने आप पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरते हुए चोरी और सीना चोरी करने का आरोप मढ़ा, साथ ही कानून का हवाला भी दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, और जब FIR होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए, पोस्टर जिसने छापा है प्रिंटर का नाम उसका नाम होना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए, ये कानून कहता है। लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो आप जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आपने नाम ही नहीं डाला। हिम्मत है नाम डालिए, और कानून अपना काम कर रहा है उसको करने दीजिए, बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। इधर आम आदमी पार्टी ने पोस्टर मामले को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले इस प्रदर्शन में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब CM भगवंत मान भी शामिल होंगे। ऐसे में साफ है कि दिल्ली में ये पोस्टर वॉर फिलहाल लंबी खींचने वाली है। देखने वाली बात होगी कि आपके प्रदर्शन के ऐलान के बाद बीजेपी क्या कदम उठाती है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।